उत्तराखंड विधायक महंत प्रतापपुरी का बाड़मेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हमीरपुर मठ में उनका पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर मठ में देव दर्शन किए। इस मौके पर महंत प्रतापपुरी ने कहा कि मंत्री न बनना कोई दुख की बात नहीं, मैं मंत्रिमंडल के निर्णय से संतुष्ट हूँ और आने वाले 5 सालों में सब मिलकर प्रदेश का विकास करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत को जब तक विश्व गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जिसके कारण सनातन धर्म का ये भगवाधारी सन्यासी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार गया और मैं बस उन गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता रहूं। जनता ने जो विश्वास मेरे में जताया है मैं उनके विश्वास को अक्षुण रखूं। जो मान सम्मान आप सब लोग दे रहे हो बस मैं आपका मान सम्मान बढ़ाऊं, यही मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं आभार पुनः करता हूं पोकण की जनता का कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के मैं अकेला एक संत के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ था। आज मैं अकेला नहीं, पोकण की लाखों लाखों जनता जो हम सबके साथ खड़ी है। रिकॉर्ड मतों से जिताया, रिकॉर्ड मत डाले, ये पोकण की जनता का जितना करे इतना धन्यवाद है। आज मैं मेरी इस जन्मभूमि और मेरी तपोभूमि जो तारा त्रम्भट है उसकी शाखा हमीरपुरा के अंदर मेरे पूज्य मोहनपुर जी महाराज के कृपा पात्र गुरु महाराज के मेरे सगे गुरु भाई नारायणपुर जी महाराज, हमारे आदरणीय खुशालगिर जी महाराज विराजे यहाँ दर्शन करने आया। यहाँ स्थानीय लोगों ने अनायास इतना अच्छा कार्यक्रम रखा तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। तो प्रदेश के नए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज सुबह सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत सुबह 9:15 बजे ही ज्वाइन करने के लिए सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में गणेश मंदिर से दर्शन कर अपने काम की शुरुआत की। पद संभालने के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सीएम भजन लाल शर्मा के साथ डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी जरूरी फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से काम किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र से निश्चित रूप से बेहतर समन्वय होगा और केंद्र सरकार पूरा सहयोग भी करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को ही सुधांश पंत को रिलीव करते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं प्रदेश सरकार को लौटाई थी। रविवार को प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रदेश का नया मुख्य सचिव बना दिया था। सभी को नए साल की राम राम। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने विश्वास करके इस पद का दायित्व मुझे सौंपा है। आज तो पहला दिन ही है, अभी मैंने औपचारिक रूप से कार्यभार भी नहीं संभाला, किंतु प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और एक विकसित भारत बनाने की, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी और राजस्थान भी एक विकसित भारत का, एक मजबूत विकसित राजस्थान का स्तंभ बनेगा। नए साल के पहले दिन सचिवालय में नौकरशाही की कमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संभाली।
आज यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने जो बातचीत की उसमें स्पष्ट मैसेज दिया कि आम जन की जो योजनाएं हैं उसमें कहीं भी दायरा घटाने की ओर फोकस नहीं होगा, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाएगा, केंद्र से बेहतर तालमेल मिलाकर के केंद्र की योजनाओं का बेहतर जो है लाभ जनता को मिल सकेगा, विकसित भारत से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री ने 100 दिन का टारगेट लिया है उसको लेकर के सही दिशा में काम करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल उन्होंने वित्तीय हालात पर कहा है कि अभी हालात को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझ करके और बेहतर काम किया जा सकता है। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियां यहां पर प्रशासनिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मौजूद हैं। फिलहाल राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत ने जिम्मेदारी संभाली। आज सीट पर जब वो पहुंचे तो अपनी सीट पर बैठने से पहले लंबे समय तक उन्होंने एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया, उसके बाद में राजस्थान की जिम्मेदारी संभाली। पहली बैठक उन्होंने बतौर मुख्य सचिव CM के साथ में राजस्थान DG कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर के अटेंड की। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियाँ हैं, नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, ऐसे में सुधांशु पंत अगले 5 साल किस तरह से काम करेंगे इस पर जनता की नज़र भी रहेगी। अरबाज अहमद न्यूज 18 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में जयपुर से। तो वही नागौर